सीरियल अनुपमा को हिंट बनाए रखने के लिए सीरियल अनुपमा को हिट बनाए रखने के लिए मेकर्स काफ़ी पापड़ बेल रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है। इस खबर के सामने आते ही अनुपमा के फैंस के बीच खलबली मच गई। अब रोजाना सीरियल अनुपमा के सेट से कोई ना कोई बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बीते दिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी को अनुपमा में मेन लीड रोल निभाने के लिए अप्रोच किया गया है। इस बीच दो और टीवी सितारों का नाम सीरियल अनुपमा का नाम जोड़ गया है। खबर है कि सीरियल अनुपमा में टीवी अदाकारा कांची सिंह की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। कांची सिंह ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में काम करके खूब नाम कमाया है। इस शो से अलग होने के बाद से ही कांची सिंह टीवी की दुनिया से गायब चल रही हैं। ऐसे में इस खबर ने कांची सिंह के फैंस को काफ़ी खुश कर दिया है। तो वहीं टीवी एक्टर शिवम खुजारिया को भी इस सीरियल अनुपमा में आने का ऑफर मिला है। शिवम खुजारिया भी कांची सिंह की तरह ये रिश्ता क्या कहलाता का हिस्सा है और इस खबर ने सीरियल अनुपमा के फैंस के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि राजन शाही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता के पुराने सितारों को ही क्यों मौका दे रहे हैं। शिवांगी जोशी से लेकर कांची सिंह तक हर कोई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का हिस्सा रह चुका है। हिना खान के समय में इन दोनों अदाकाराओं ने ये रिश्ता क्या कहलाता में एंट्री की थी। इन दोनों के आने के बाद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की रेटिंग सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इन हसीनाओं के आने के बाद सीरियल की रेटिंग बेहतर होगी।